आलिया रे घूके देवा रो दरो निगरा अपनी माजोर निगाए से मैं क्या क्या देखो अब तो बस एक ही धुन है मैं कहाँ हूँ ये समझ लो तो उठा लूँ नजरें मैं कहाँ हूँ ये समझ लो तो उठा लूँ नजरें दिल जरा संभल तो एक बार मैं तैबा देखूं अब तो बस एक ही धुन है के मदीना देखूं मेरे मौला मेरी आँखें मुझे वापस कर दे मेरे मौला मेरी आँखें मुझे वापस कर दे ताकि इस साल में जी भर के मदीना अब तो बस एक ही धुन है के आँखों का भी एहसान उठाना ना पड़े कल्ब आईना बन जा मैं इतना देखूं के मदीना देखो अब तो बस एक ही धुन है काश एक बार यूं ही उम्र बसे हो मेरी सुबह का बे मैं हो शाम को तैबा देखूं सुबह काबे मैं हो शाम को तैबा देखूं अब तो बस एक ही धुन अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम गुलाम दीन है मैं नवाब शाह से बिलोंग करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एंटर किया है उसके अलावा मैंने कॉल सेंटर का कॉल ऑपरेटिंग का कोर्स भी किया है कंप्यूटर कोर्स किया है और मेरी एज जो है वो 25 ईयर है और उसके अलावा मैं बीए में भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पढ़ाई चल रही है तो हमारा गवर्नमेंट से एक ही मुतालबा है जो गुज़िश्ता 6 दिनों से एहतजाज में है हमारा एक ही मुतालबा है जो 5% कोटा है उस पर ब्लाइंड पर्सन को जो नज़रअंदाज किया जाता है उसको नज़रअंदाज करना बंद करें और उस कोटे को फॉलो करते हुए हमें जॉब दी जाए 1 से 4 स्किल्स तक तो इस वजह से जो है वो हम सराप एहतजाज अभी हमारे साथ जो एहतजाज हुआ था रोड रेड जोन में भी हमने एहतजाज किया था और रेड जोन की तरफ भी हमने मूव किया था जिसमें हमारे साथ पुलिस ने भी कोऑपरेट नहीं किया था तशद्दुद भी हुए थे कुछ बंदे भी हमारे उठा लिए थे उस गिरफ्तार हुए थे उसके बाद जो है वो हमारे मुज़ाकरात भी हुए थे सेक्रेटरी वन के साथ नादिर साहब के तो उन्होंने पीर या मंगल तक का टाइम दिया है वो लिस्ट फाइनलाइज करके डीसीओ को कॉल कर देंगे जो डिस्ट्रिक्ट वाइज है अगर वो हमें लेटर या लिस्ट फाइनलाइज मंगल तक नहीं करते फ़िलहाल तो हमारा पूरा मन एहतजाज है फिर या मंगल तक हमारी बात नहीं मानी जाती तो हम दोबारा सीएम हाउस और रेड जोन जाने का रुख करेंगे हमने बहुत सारे महकमों में अप्लाई किया हुआ है डीआरसी हमारी हो चुकी हैं कुछ 8 सालों से एहतजाज भी हो रहे हैं
सोशल मीडिया भी चला सकते हैं, कंप्यूटर मोबाइल। फैसल बैंक में हमारे दोस्त जॉब करते हैं प्राइवेट सेक्टर्स में, हम बहुत कुछ कर सकते हैं अलहमदिल्ला। 1600 सीटें आई हुई हैं अभी डिसेबल पर्सन के लिए, उसमें ब्लाइंड के लिए 472 सीटें निकाली गई, उसमें भी जो है ना हमें नज़रअंदाज किया जाता है कि हमारी सीटों पर जो है वो साइटेड पर्सन लोग उंगली जो है ना अपनी बोर्ड के भी वो इस तरीके से सर्टिफिकेट बना के उनको अप्लाई किया जाता है, हमें नहीं दिया जाता। फिज़िकल हैंडीकेप को जॉब दी जाती है, हमें नहीं दी जाती कि आप कुछ नहीं कर सकते। माशी हालात और फैमिली के हालात की वजह से मजबूर हैं हम, सलाह एहतजाज है, ये हमें मजबूर किया जाता है, हमारे हकूकों की जो पामाल की जाती है नहीं दिए जाते और हमें नज़र भी नहीं आता, तो हम जॉब के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते। अगर हमारी स्किल्स डेवलपमेंट है तो उसके थ्रू हमें जॉब नहीं मिलती, तो इसकी वजह से हम एहतजाज करने पर मजबूर होते हैं। इस वजह से हम रोडों पर आए हुए हैं कि खुदा रहा अपने हक के लिए लड़े, बाहर निकले। डिजिटल जो है वो आजकल एडवांस दौर चल रहा है, जितने भी जो ब्लाइंड चिल्ड्रन हैं या उसके अलावा स्पेशल पर्सन जितने भी, उनको ये पैगाम है, उनके वालिदैन को ये पैगाम है, अपने बच्चों को तालीम दें, जो नाबीना बच्चे हैं उनको भीख मांगने से बचाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने एक नेमत ली हुई है तो उसके अलावा बहुत सारी सलाहियतों से अल्लाह ने नवाजा है। अपने हक के लिए लड़ें, अपना हक इनसे लड़ के लेना है, किसी भी हालत में अपने हकूक़ को छोड़ना नहीं है। सर अभी मेरी स्टडी चल रही है BA में, उसके लिए मेरी अफोर्डिंग का अखराजात का मसला है, जॉब होगी तो मैं आगे जो है ना पढ़ पाऊँगा। फैमिली मजदूर फैमिली है, गांव में रहते हैं नवाबशाह में, खैरशाह गोट में, तो फैमिली की तो इतनी सपोर्ट नहीं होती, बस इधर उधर से कहीं से करके हम खुद को खुद ही सपोर्ट करते हैं। प्राइवेट सेक्टर्स में गए थे इंडस्ट्रीज़ में, वहाँ पर तो गार्ड बिल्कुल अंदर ही नहीं जाने देते, हालाँकि प्राइवेट सेक्टर्स में भी डिसेबिलिटी कोटा है ब्लाइंड के लिए, लेकिन नहीं छोड़ जी। बहुत दफ़ा गया हूँ मैं, लाल फूंड में गया हूँ, गुल अहमद में गया हूँ, उसके अलावा अख्तर कंपनी है उधर गया हूँ, गारमेंट्स की कंपनियाँ हैं उधर, ये भर्तियाँ बल्दे अंदर जाने नहीं देते, जाते CV लेते रख लेते हैं, बुलाते नहीं हैं। अरे कॉल ऑपरेटिंग, कंप्यूटर पैकिंग, जो भी काम हो ना हम करेंगे। अच्छा, मैं टोटली ब्लाइंड हूँ सर, मेरी एज सर 25 साल, सर पैदाइशी सर हम लोग 6 बहन भाई हैं, 2 बहनें 4 भाई हैं, मैं छोटा हूँ ना दूसरे नंबर पर, मेरा बड़ा भाई मुझसे पहले। अपने माशरे में अपने हकूक़ के लिए लड़ना है जी, क्योंकि इस दौर में इसके अलावा और कुछ नहीं बचा है, उम्मीद ज़रा अल्लाह के अलावा और किस में नहीं नज़र आती। जब तक हमने पुरमन एहतजाज किया था उस वक्त तो कोई नुमाइंदा हमसे नहीं मिला था, हाँ मुख्तियार कार मिला था, उसने थोड़े बहुत आश्रय दिए थे, उसके बाद फिर हमें मजबूरन रेड जोन की तरफ जाना पड़ा, तो हम पुलिस ने तशद्दुद किया, हमें रोका भी, हमारे बंदे भी ले गए थे हिरासत में। हर सेक्टर में आप विज़िट करें, स्पेशल एजुकेशन का ही आप विज़िट कर लें, जो नाबीनाओं के इदारे हैं गवर्नमेंट, आपको वहाँ मिलेंगे जो ब्लाइंड की सीट पर काम कर रहे हैं। कोई तो आँख वाला गुजरेगा इस तरफ से तैबा के रास्ते में, मैं मुंतज़िर खड़ा हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ और महवे इल्तिजा हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ, एजाज़ अब भी मुझको महसूस हो रहा है, एजाज़ अब भी मुझको महसूस हो रहा है, रोज़े के सामने हूँ और नात पढ़ रहा हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ और मैं वे इल्तिजा हूँ, मैं महफिल हरम के आदाब जानता हूँ, मैं लब कुशा नहीं।